नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि साल 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होने जा रहे हैं और इस दौरान लोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों का व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है और कहते हैं कि इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती है और ऐसे में यदि पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं, जो कि इस साल 15 अक्टूबर 2023 को है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। यदि आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि इन चीज़ों का आपके जीवन पर, आपके घर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि वो ऐसे कौन से सामान हैं जो कि नवरात्रि आरंभ होने से पहले ही हमें अपने घर से बाहर कर देने चाहिए। फटे पुराने जूते। कहा जाता है कि घर में फटे पुराने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे घर में नेगेटिविटी आती है। खास तौर पर नवरात्रि के दौरान घर की सफाई करते समय यदि फटे पुराने जूते चप्पल मिलते हैं तो उन्हें तुरंत ही बाहर फेंक दें, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा माँ धरती पर रहती हैं और ऐसे में उनके स्वागत के लिए खराब चीजें, घर से खराब चीजें और नेगेटिविटी वाला सामान बाहर फेंक देना चाहिए। लहसुन, प्याज और शराब। सनातन धर्म में लहसुन व प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए पूजा पाठ में किसी भी प्रकार के लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर पर नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान 9 दिनों तक दुर्गा माँ का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उनको भोग भी लगाया जाता है, तो ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग होना चाहिए। तो अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो उन्हें भी आप नवरात्रि से पहले ही अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही साथ घर में मांस मदिरा भी नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खास तौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए बिना देर किए बंद घड़ी में या तो आप सेल डलवा लें या फिर इसको घर से हटा दें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। बेकार खाना। नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना है या फिर खराब अचार पड़ा हुआ है तो आप उसे भी तुरंत ही घर से बाहर निकाल दें। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती है और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में यदि आपके घर में कोई भी बासी या खराब खाना है तो आप उसको घर से बाहर निकाल दें। खंडित मूर्तियाँ। दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपके मंदिर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियाँ रखी हैं तो नवरात्रि से पहले आप उनको जरूर से जरूर बाहर कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का बहुत बड़ा कारण होती हैं। इसलिए इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें, लेकिन अपने घर के मंदिर में भूल से भी खंडित मूर्तियां कभी ना रखें। दोस्तों, यदि आप हमारे बताए अनुसार ये उपाय कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए, आपको तरक्की करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी और आप जो चाहेंगे आपको वो सब मिलेगा, वो सब प्राप्त होगा। तो आप सभी नवरात्रि के ये उपाय जरूर करिए और यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।